स आई एम मदीहा खान योअर फ्रेंड हुए तो हम क्या करने, कर रहे थे कंटिन्यू कर रहे हैं हम द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन का पार्ट टू फर्स्ट वाला जो था वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने क्योंकि देखो जब आप प्रेजेंट वाला सीख लेते हो ना टेंसेज में आप जब प्रेजेंट वाले सीख लेते हो ना तो पास्ट और फ्यूचर जो है इतने ज़्यादा टफ नहीं होते तो बस मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी चीज बताऊंगी इसमें बाकी जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसे तुम्हें अच्छे से देखना है उसमें ही जो है मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई कि तुम ट्रांसलेट कैसे करते हो तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड अब देखो तुम्हारा है पास्ट इंडेफिनाइट या फिर सिंपल पास्ट जिसको तुम कैसे देखते हो आ ई आता है जिसमें लास्ट में है ना आई गया ये जो आ रहा है लास्ट में वो होता है तुम्हारा सिंपल पास्ट जैसे उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया ठीक है धोखा नहीं दिया तो यहाँ पे किसने धोखा नहीं दिया उसने तो तुम्हारा वो क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट ही या शी भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर ही लिखो या शी लिखो शी ठीक है नहीं दिया नहीं दिया क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा पूरा टेंस तो डेंट क्यों क्योंकि जब किसमें हम बात कर रहे हैं पास्ट में तो मैंने क्या लिखा डिड नॉट ठीक है और धोखा को क्या बोलते हैं हम डिसीव तुम्हें यू तो यहाँ पे देखो ये रिवर्स ऑर्डर चल रहा है है ना इस तरीके से तुमने तुम्हारा सेंटेंस बनाना है फिर है आज अध्यापक ने हमें सजा दी किसने सजा दी अध्यापक ने तो तुम्हारा पहले क्या आ गया सब्जेक्ट द टीचर ठीक है सजा दी सजा देना पनिश करना और पास्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं थर्ड फॉर्म पनिश्ड ठीक है किसको हमें तो आज आज टुडे आज टुडे तो यहां देखो रिवर्स में चले गया तो आज, क्या उसने चोरी की अब क्योंकि हम वापस से एक ही बंदे की बात करें ही या शी तो डेड लगाते हैं डिड ही चोरी की तो पहले आ गया तुम्हारा की कमिट क्या चोरी थेफ्ट ठीक है तो इस तरीके से तुमने लिखना है रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी ठीक है आप कभी भी जब क्वेश्चन होता है तो पहला तुम क्यों है तुम्हारा तो तुम लिखोगे पहले वाई क्यों होता है तुम्हारा वाई फाड़ी डिड ठीक है वाई और क्या था किसने तो तुम्हारा आएगा सब्जेक्ट वाई डिड फिर क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फिर क्या की वर्ब आ गया तुम्हारा फाड़ी है ना क्या चीज फाड़ी द बुक तो इस तरीके से तुम लिखोगे बुक मतलब जब भी तुम कोई क्वेश्चन लिखते हो तो पहले तुम्हारा क्वेश्चन आता है तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा लेकिन सब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है सिंगल है तो मैंने वापस डिड लगाया आगे अब पहले वर्ब आएगा वर्ब क्या है फाड़ी तो मैंने क्या लिखा टियर ठीक है क्या फाड़ी किताब तो द बुक और क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क इस तरीके से तुमने ट्रांसलेट करना है फिर तुम्हारा है पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव क्या हुआ कि भाई काम चल रहा है अभी भी है ना जैसे आ रहा था जा रही थी आ रहे थे जा रहे थे है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई काम हो भी रहा है चल भी रहा है उसकी नाक से खून नहीं आ रहा था नहीं आ रहा था किसकी नाक से उसकी तो हेज या फिर हर क्या चीज नाक नोज हर या हिज नोज नहीं आ रहा था तो वॉज नॉट है ना वॉज नॉट क्यों क्योंकि हम किस में बात हैं पास्ट में और क्या Un, नहीं आ रहा था तो ब्लीडिंग वॉज नॉट ब्लीडिंग आई एनजी लगता है पास्ट हो प्रेजेंट हो फ्यूचर कंटिन्यू से आई एन जी वाली चीज आएगी क्या उसकी नाक बह रही थी अब क्योंकि मैंने लिखा है क्या तो मैंने लिखा वॉज उसकी हिज या हर बह रही थी क्या ना नोज बह रही थी रनिंग और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इस तरीके से तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो क्यों और किसका और कौन तुम तो वाई और क्योंकि यू है तो हम कभी भी वॉज नहीं लगाते वर्ड लगाते हैं। वाई वर यू क्या कर रहे हो उड़ा रहे थे मेकिंग फन ऑफ हिम ठीक है व्हाई वर यू मेकिंग फन ऑफ हिम जब अब तुम बोलते मजाक बनाना या मजाक उड़ाना तो हम उसको कैसे लिखते हैं मेकिंग फन है ना तो व्हाई वर यू मेकिंग फन उसका ऑफ हिम या ऑफ हर इस तरीके से लिखोगे फिर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस जो काम तुम्हारा कंप्लीट हो चुका था चुकी थी चुके थे या है ना इस तरीके से जहां पे कंप्लीट हो गया था प्रेजेंट में क्या था हो गया और यहाँ क्या है था साथ में आ रहा है जैसे उसने पेंटिंग बना ली थी बना ली थी उसने किसने उसने तो ही या शी बना ली थी हैड मेड बना ली थी हैड मेड क्या पेंटिंग तो उसने बना ली थी पेंटिंग ही हैड मेड पेंटिंग इस तरीके से बात होगी फिर है हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था किसे किसने नहीं किया था हमने तो वी नहीं किया था थाड नॉट क्या नहीं किया था आमंत्रित नहीं किया था किसे उसे तो यहाँ देखो यहाँ तक यहाँ पे तुमने डाल दिया तुम्हारा वर्ड फिर तुम्हारा सेंटेंस जो है वो रिवर्स में चलता है आमंत्रित उसे इनवाइटेड हिम वी हैड नॉट हैड नॉट याड इंड ऐसे भी लिख सकते हो तुम इन्वाइटेड हिम हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था बुलाया नहीं था तो. क्या उसने उम्मीद छोड़ दी थी क्या उसने उसने जब भी हम ही या शी लगाते तो हैड हैड ही शी छोड़ दी थी गिवेन अप क्या चीज उम्मीद उम्मीद क्या होती है होप हैड ही उम्मीद छोड़ दी थी है ना यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है फिर है तुम्हारा तुमने ये फिल्म कब देखी थी कब और किसने तुमने तो वैन हैड यू हैड यू देखी थी सीन क्या चीज ये फिल्म दिस मूवी इस तरीके से लिखोगे वह पेंटिंग बना चुका था he had made, ही हैडमेट पेंटिंग वही वाला आ गया है अब तुम्हारा है परफेक्ट ठीक है अब सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन जिसमें से रहा था से रही थी मतलब काम कंप्लीट भी हो गया और ऑनगोइंग भी है है ना यही होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सुबह से सब्जियां काट रहे हैं सुबह से सब्जियां काट रहे थे है ना तो यहाँ पे काम हो गया लेकिन ऑनगोइंग में तो मैंने क्या लिखा कौन काट रहे थे हम तो वी और अब क्या आ जाता है जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस लिखते हैं तो बीन और जब वी है तो हैड आ जाएगा वी हैड बीन क्या कर रहे थे काट रहे थे चॉपिंग क्या चीज सब्जियां अब तुम बोलोगे मैम काट रहेगा तो कुछ और भी हो सकता है कटिंग लेकिन जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो हम सब्जियां चॉप करते हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखा चॉपिंग अब यहाँ देखो ये यह आ गया आई एन जी है ना तो यहाँ पे जो तुम्हारा हेडबिन चॉपिंग चल रहा है ना ये तुम्हारा कहाँ से आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या काट रहे थे भाई सब्जियां कब से काट रहे थे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग सुबह से जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें क्या लिखते हैं हम सिंस और जो टाइम है वो मॉर्निंग लिखा है तो सिंस मॉर्निंग तुम्हारा भाई आधे घंटे से नहा रहा था किसका भाई तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर फिर had been single है बीन क्या है यहां पर टेकिंग बात फॉर हाफ एन आवर फॉर ठीक है फॉर हाफ एन आवर तो फॉर लगाओगे तुम क्या वे सुबह से जमीन खोद रहे थे क्या वे हैड दे बीन ठीक है बीन डिगिंग खोदना डिगिंग क्या चीज लैंड कब से सुबह से सिंस मॉर्निंग सिंपल किंजल व रुद्र सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे मतलब कौन पहले तो सब्जेक्ट लिखो किंजल रुद्र, रुद्र नहीं खेल रहे थे मतलब हैड नॉट बीन अब नॉट आ जाएगा बीच में क्या नहीं कर रहे थे खेल रहे थे तो प्लेइंग आगे आई एन जी क्या शतरंज कब से सुबह से सिंस मॉर्निंग समझ आ गया किस तरीके से ट्रांसलेट किया मैंने अब फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल में क्या हो रहा है तुम्हारा गा गे गी इस तरीके से फ्यूचर में जब बात होती है ना तो यहाँ पे मैंने लिखा हम इस मुश्किल की घड़ी में उसकी सहायता करेंगे ये जो करेंगे है ये तुम्हारा क्या है सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं विल पहले तो देखो कौन मदद करेंगे हम तो वी करेंगे विल We will, क्या करेंगे मदद हेल्प किसकी उसकी हिमयाहर कब मुश्किल घड़ी में इन दिस आर ऑफ ना इन दिस आर ऑफ क्राइसिस वह ना तो चाय पिएगा ना ही कॉफी कौन वे ही और क्योंकि पिएगा है तो लड़का ये ही. फिर वापस से नहीं पिएगा तो विल टेक अब ना तो चाय ना ही कॉफी मतलब नाइदर और नॉर नाइदर टी इस तरीके से लिखोगे क्या तुम उसका ख्याल रखोगे फिर वापस जब हम फ्यूचर में बात करते हैं तो विल आगे लग जाता है यू रखोगे रखोगे टेक क्या ख्याल किसका उसका विल यू टेक केयर ऑफ हिम क्या तुम रखोगे ख्याल उसका विल यू टेक केयर ऑफ हिम इस तरीके से तुम उसे क्यों नहीं आने दोगे अब क्यों आगे आगे तो वाई विल यू है ना वाई विल यू नहीं आने नॉट लेट इस तरीके से लिखोगे। तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूस अब इसमें क्या होता है रहा होगा रहे होंगे रही होगी है ना इस वह इस समय प्रश्न याद कर रही होगी वो इस टाइम क्या कर रही होगी क्वेश्चंस याद कर आंसर याद कर रही होगी शी विल बी आप क्या आ जाएगा बी ठीक है वह लड़की है तो वह विल बी क्या कर रही होगी याद कर रही होगी मेमोराइजिंग क्या प्रश्न द क्वेश्चन कब इस समय तो टाइम क्या वे नींबू पानी पी रहे थे विल दे बी टेकिंग या ड्रिंकिंग ठीक है टेकिंग भी आ सकता और यहाँ तुम ड्रिंकिंग भी लिख सकते हो और नींबू पानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में लेमनेड और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क सिंपल वह झूठ क्यों बोल रहा होगा क्यों तो वाई विल बी ये ही है ठीक है ये यह एच है यहाँ पे ही और बोल रहा तो झूठ तो आ, इस तरीके से लिखा हमने फिर तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें क्या होगा चुका होगा चुकी होगी या होगा ली होगी इस तरीके वह बिस्तर लगा चुकी होगी अब जब हम वहां पे हैड लगा रहे थे तो यहाँ क्या लगाएंगे हा She will have made the उन्होंने कविता नहीं लिखी होगी नहीं लिखी होगी उन्होंने पहचान लिया होगा ही होगा रिकोगनाइज यू तुम्हें जॉन ने उसे धोखा क्यों दिया अब क्यों आ गया तो वाई विल अब जॉन क्या जाएगा यहाँ पे है हाँ धोखा दिया तो थर्ड फॉर्म डिसीव्ड हिम उसे है ना इस तरीके से लिखोगे फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से रहा होगा से रही होगी है ना वह सुबह से भजन गा रही होगी तो शी विल हैव बीन आप क्या आ जाएगा बीन शी विल हैव क्योंकि परफेक्ट में हैव आता है और कंटिन्यू में कंटिन्यूस में बीन तो शी विल हैव बीन गा रही होगी सिंगिंग क्या भजन भजन को बोलते हैं हाइम्स कब से सुबह से सिंस मॉर्निंग बच्चे सुबह से सांप सीढ़ी खेल रहे होंगे children have been क्या कर रहे होंगे खेल रहे होंगे प्लेइंग क्या सांप सीढ़ी स्नैक्स एंड लेडर्स कब से सुबह से सिंस मॉर्निंग क्या 2010 में इस स्कूल में पढ़ा रही होगी विल शी हैव बीन क्या आ गया तो विल शी हैव बीन पढ़ा रही होगी तो टीचिंग इन दिस स्कूल कब से 2010 से तो सिंस 2010 वे आधे घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे कौन सी तो व्हिच बुक फिर वे तो विल दे हैव हाँ बीन पढ़े होंगे रीडिंग कब से आधे घंटे से तो फॉर हाफ एन आवर देखो जब ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो फॉर जब ज्यादा टाइम हो गया तो सिंस इस तरीके से याद रखना बस यही तुम्हारे टेंसेज है जिसमें तुम्हें ध्यान रखना और ये सारी चीजें तुम्हें टेंस के बेसिस पे पता चलेंगी इसलिए बार बार कह रही हूँ ए फाउंडेशन में जाके टेंसेज पढ़ लो ठीक है उसमें भी अगर तुमने फर्स्ट वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया तो बाकी इजी है एक बार जाके वो चार पार्ट अच्छे से देख लो छोटे छोटे ही हैं ठीक है तो इसके साथ हम यहाँ क्लास खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदिया खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय अ नाइस डे